Hey guys, welcome back to our channel. तो होटल से हम निकल चुके हैं, अभी मैं आया जा रहा हूँ हवा महल। तो ये मैंने जो व्लॉग की स्टार्टिंग की है, मैंने की है हवा महल भी। मास्क मैंने लगा रखा है, काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पे, तो चलते हैं फिर। हवा महल एकदम खाली सा ही पड़ा हुआ है, एकदम खाली। हवा महल रास्ता, ये हवा महल एंट्री के लिए जो टिकट लगता है, उसके चार्जेस जो भी हैं, तो आप देख लेना इसे। अभी हम ले रहे हैं टिकट। ये हवा महल की एंट्री। गेट भी इतने उठे बड़े हैं, आप इतने मोटे हैं। तो गाइस आ चुके हैं हवा महल के फर्स्ट फ्लोर में। इतनी भीड़ नहीं जिस हिसाब से होती है, काफ़ी खाली खाली है। जैसे तो आप देख रहे हो, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये सामने हवा महल, दो तीन फ्लोर हैं शायद इसके। चलते हैं फिर देखते हैं। तो गाइस ये है वो महल के अंदर की खिड़कियाँ, जहाँ से हवा आ रही है। गाइस अभी अब मैं हवा महल में, ये पीछे खिड़कियाँ ज़्यादातर छोटी छोटी जो भी हैं, तो हवा तो आ रही है। लेकिन हमें स्कूल टाइम में बताया जाता था कि हवा महल जहाँ पे है वहाँ पे आसपास काफ़ी दूर तक कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है, इस वजह से उसमें हवा आती है। बट ऐसा कुछ नहीं है, सामने बहुत ही बड़ी बड़ी मतलब काफ़ी हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, तो ठीक है, वैसे अच्छा है, विजिट कर सकते हैं वन टाइम विजिट। बट मैं जयपुर तो काफ़ी बार आ चुका हूँ, बट मैं फ़र्स्ट टाइम ही विज़िट कर रहा हूँ हवा महल में, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक वाली यहाँ पे, मतलब धूप भी एकदम, आज तो मौसम भी है, लग भी नहीं रहा कि बारिश वगैरह आएगी। कल रात शायद पड़ी थी बारिश यहाँ पे, बट आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। हम तो आके बैठ गए यहाँ पे, यहाँ हवा आ रही है, मस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या क्या घूम पाते हैं, क्योंकि लग नहीं रहा ज़्यादा घूम पाएंगे, क्योंकि अभी नाहरगढ़ फोर्ट जाने की सोच रहे थे, बट इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि मतलब गर्मी बहुत है, एक तो टॉप पे है वो, और ऊपर से वहाँ पे गर्मी ही बहुत है। तो देखते हैं, अगर जाते हैं तो दिखाते हैं, वरना अगर होटल गए तो वहाँ भी। लेकिन हवा महल का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा, मैं फ़र्स्ट टाइम ही आया था, तो वन टाइम विजिट के लिए ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। हवा महल की गलियों में खोते हुए हम दरवाजे, पता नहीं कौन सा कहाँ जा रहा है। मिल गई आखिरकार एग्जिट, तो चलते हैं हवा महल घूम लिए। तो गाइस हम आ गए हैं वापस जयपुर के लोकल मार्केट में, तो अभी घर के लिए कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो चलते हैं फिर। शॉप हमने देख ली, जहाँ से हर बार हम करते हैं वहीं पर इंडियन लोकल की शॉप है, तो 12 बजे के बाद ही खुलती है, तो सुबह जो आए थे हम तब तो बनती थी, लेकिन अब खुल गई, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यही शॉप है, यहाँ से शॉपिंग करते हैं, कुछ लंच वगैरह करेंगे, चलते हैं। तो भाई शॉप का नाम है इंडियन लुक, जहाँ से जहाँ हम हर बार आते हैं, पिछली बार आए थे शायद मार्च में, तो ये बंद थी उस दिन संडे था, तो करते हैं शॉपिंग। यहाँ सब ज़्यादातर तो लेडीज़ सामान ही होता है, जेंट्स भी मिल जाता है हमारे कुर्ते वगैरह, देखते हैं कि क्या लेते हैं। तो भाई शॉपिंग हो चुकी है डन, और हम जा रहे हैं कुछ खाने, तो
चलते हैं यहाँ की फेमस दुकान लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, काफ़ी ज़्यादा फेमस शॉप है यहाँ पे, तो चलते हैं फिर दिखाता हूँ आपको स्पेशल पनीर घेवर लक्ष्मी मिष्ठान भंडार LMV। चलते हैं फिर भाई, अभी हमने ऑर्डर करा है यहाँ पे प्याज कचौड़ी भी यहाँ पर बादाम भी, खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस मैं आ चुका था वापस होटल और मैं आके सो गया, तो व्लॉग फिर बना नहीं पाया आके, क्योंकि बस लंच किया वही प्याज कचौड़ी का और मैं वापस आ गया। तो सो के उठा मैं, तो घूम रहा था मैं होटल, तो मैं पीता हूँ चाय, तो शाम को पार्टी है वो दिखाता हूँ आपको। भाई हाँ भैया, अरे सवाल दे बताओ, अगर तू अंधा है और तुझे प्यास लगी तो तू कैसे बताएगा? यार मुंह से बताऊंगा। नहीं वही कर ले जो वही बता रहा था। तो भाई बोल तो सकता हूँ ना, आंखों से देख नहीं सकता। नहीं नहीं टाइम लगा थोड़ा ट्यूबलाइट जलने में, टाइम लगा ट्यूबलाइट जलने में थोड़ा। तो गाइस पार्टी के लिए हो चुके तैयार, अब निकलते हैं, शाम के बज गए 8, तो निकलते हैं पार्टी के लिए, फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस आज है नेक्स्ट डे और सुबह के बज रहे हैं 10, कल मैं व्लॉग एंड करना भूल गया था, तो आज कर रहे हैं हम चेकआउट, निकल रहे हैं गाज़ियाबाद की तरफ वापस। तो अब मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने, तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।